थ्री होल वन ओवर नाइन मल्टीप्लाई थ्री होल थ्री बाय फाइव डिवीजन का साइन, और ये है टू होल वन ओवर टेन। हमारे पास इसका है ये वैल्यू है हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करेंगे। थ्री को नाइन से मल्टीप्लाई कर दें, थ्री नाइन जार 27 और प्लस इसको वन करेंगे तो ये वन आ जाएगा। 28 ओवर नाइन मल्टीप्लाई का साइन, थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई कर दें 15, 15 में ये थ्री प्लस कर देंगे तो ये 18 डिवाइड बाई फाइव डिवीजन का साइन आ गया। टू को फाइव से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20, टू टेन जार 20 और प्लस वन करेंगे 21 डिवाइडेड बाई 10। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन इस तरह से, 28 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई साइन आ गया 18 डिवाइडेड बाय 5। और अब हम क्या करेंगे, इस साइन को मल्टीप्लाई साइन में चेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू ये जो है ये चेंज हो जाएगी। इसको आप गौर से देखें, ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा और 21 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, आप इसको देखें, अगर ऊपर नीचे कटता है तो उसको काट दे, वरना क्रॉस अगर काटना है चाहे तो भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो देखें जी, इस तरह से कट हो सकता है, फाइव वन आर फाइव, फाइव टू आर टेन, फाइन, थ्री सिक्स आर एटीन, थ्री सेवन आर ट्वेंटी वन, सेवन वन आर सेवन, सेवन फोर आर फाइन। यहां पे हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी, फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू, ये देखें हमारे पास फोर सिक्स एंड टू, और यहां भी हमारे पास आ जाएगा नीचे नाइन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन। अब फर्दर हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, ये देखें ये आ जाएगा ट्वेंटी, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 26। अगर इसको और कट करना चाहें तो थ्री थ्री आर और थ्री टू आर फाइन। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, फोर टू आर एट, एट टू आर सिक्सटीन, सिक्सटीन डिवाइडेड बाय थ्री, ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से वैल्यू 16 डिवाइड बाय 3। अब हमने क्या करना है, यहां पे लगाना है डिवीजन का ये साइन और इस पे करना है 3 5 आर 15, यहां पे माइनस का साइन, ये आ गया 1। अब हम आंसर लिखेंगे इसका 5 होल 1 ओवर 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो 5 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 5 थ्री आर 15 और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 16 आपके पास आ जाएगा, फिर 16 ओवर 3 इसका आंसर। तो स्टूडेंट ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप सो कि आपको समझ आए होंगे। अगर इस इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको समझ आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।